वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टू डिजिट का जो नंबर होता है कैसे होते हैं, जैसे 18 हो गया, 63 हो गया, जैसे मान लो हमारा 71, कैसा है ये टू डिजिट का नंबर। इस टू डिजिट के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 1, 70 प्लस 1, 71 आ गया। यानी कि दिस इज कॉल्ड द यूनिट प्लेस, दिस इज कॉल्ड द टेंस प्लेस। ये तो आपको पता है, इसको कौन सा बोलते हैं, वंस प्लेस कहें या यूनिट प्लेस कहें, और इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। तो कोई भी दो डिजिट का जो नंबर होता है उसको लिखने का तरीका क्या है, 10 मल्टीप्लाई टेंथ प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। इन जनरल अगर हमारा कोई भी दो डिजिट का नंबर मान लो एक्स वाई है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x और प्लस y, ऐसे लिख सकते हैं। अब 71 था, अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स जो नंबर आएगा हमारा, यानी कि जो वंस प्लेस है यूनिट प्लेस है टेंथ प्लेस बन जाएगा, टेंथ प्लेस क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस। दिस इज द नंबर जो कि हमने कैसे मिला है कि हमने डिजिट्स के ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 17 क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, वही सेम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। इनफैक्ट अगर हमारा ओरिजिनल नंबर एक्स वाई है, अगर हम उसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर क्या आएगा हमारा, वाई एक्स, यानी कि रिवर्स नंबर, यानी कि अगर हम डिजिट्स के ऑर्डर को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10y प्लस x। तो ये हमें समझना है, अगर हमारा स्टार्टिंग का नंबर एक्स वाई है तो उसको लिख सकते हैं हम 10x प्लस y, अगर हम उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो जो रिवर्स नंबर आएगा क्या बनेगा, वाई एक्स, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10y प्लस x। इसको आपने समझना है, इसी कंसेप्ट का हमारा इस क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए, इधर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट का कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम कितना है, 9। तो दो डिजिट का नंबर हमारा में भी 63 हो सकता है, तो डिजिट्स का सम कितना आ गया, 9। 27 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, क्योंकि 1 + 8 = 9। तो कोई भी नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स का सम कितना है, 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है हमारा उसका 9 टाइम्स इसका मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है टू डिजिट का, उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर, दुगने के इक्वल है नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स के नंबर्स का जब ऑर्डर हम चेंज करेंगे, जो नया नंबर आएगा उसके किसके इक्वल है, दुगने के इक्वल है। फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर निकालना है, ठीक है। लेट, हमने मान लिया यूनिट प्लेस एक्स और टेंथ प्लेस ऑफ द नंबर वाई, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हुआ, यूनिट प्लेस एक्स, तो वाई एक्स हो गया हमारा, ठीक है। यूनिट प्लेस हमने एक्स माना, टेंस प्लेस वाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस 8 है, टेंस प्लेस 1 है, तो नंबर कितना हुआ, 18 हुआ ना। तो हमने यूनिट प्लेस एक्स मान लिया, टेंस प्लेस वाई, तो नंबर हमारा क्या हो गया, वाई एक्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई एक्स को 10y, वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 10y, 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ठीक है। यानी कि 10y नंबर क्या हुआ हमारा, 10y प्लस x, ओरिजिनल नंबर। जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा, y, और टेंथ प्लेस क्या बन जाएगा हमारा, x। व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो रिवर्स्ड नंबर हम लिख देते हैं, रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, एक्स वाई, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 10x प्लस y। ये समझ में आया भाई,
देखें पहला जन्म नंबर था हमारा वाई एक्स था, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यूनिट प्लेस एक्स माना है और टेंथ प्लेस को क्या माना है, वाई माना है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर मेरा ये। जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो मेरा नंबर वाई एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स वाई, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मान लो हमारा नंबर 18 है तो डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 81, ठीक है, एक्स वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। ये हमारा रिवर्स नंबर का मतलब है, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स किया तो हमारा नंबर ये बनेगा। ये जितने भी टू डिजिट्स के नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एक टाइप है हमारी पर्टिकुलर, तो उनमें आपने ये स्टेप तो लिखने ही है जो मैंने लिखे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स क्या है नंबर के, एक्स और वाई, तो इनका सम कितना है, 9, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर कौन सा है हमारा, नंबर क्या था हमारा, वाई एक्स था ना, वाई एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, 9 टाइम्स नंबर इज मीन इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसके जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना किसके इक्वल है, ट्वाइस के इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स को हमने जब रिवर्स किया तो नया नंबर हमारा क्या आया, 10x प्लस वाई। ये सी समझ में आई भाई, रिवर्स नंबर है ये, यानी कि हमने डिजिट्स को, देखो पहले नंबर ओरिजिनल नंबर वाई एक्स था हमारा, और डिजिट्स को रिवर्स किया तो हमारा नंबर क्या हो गया, एक्स वाई, रिवर्स नंबर 10x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, 20x 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 2y, y की उधर कलेक्ट कर लेते हैं टर्म, 20y, तो कितना माइनस 11x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया माइनस 88y। तो दिस इंप्लाइज माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हमने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते थे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 11x, एक्स के कोफिशिएंट इक्वल बना देते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से। तो क्या है हमारे पास, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, और ये क्या है माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गए, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशंस को, ये क्या आ गया हमारे पास 99y इज इक्वल टू 99। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिवाइड बाय 99, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। हमारा नंबर क्या था, यूनिट प्लेस x था, टेंस प्लेस y, नंबर क्या बना था हमारा, yx। इसमें भी पुट कर सकते हो ओरिजिनल नंबर, y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट कर दो, नंबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज नंबर इज, फाइंड द नंबर निकालना था, दिस इंप्लाइज ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18 आ गई। और या आप डायरेक्ट वैसे देख सकते हैं, नंबर क्या था हमारा, yx था ना, तो y कितना है, 1, और x कितना, 18, तो ये आ गया हमारा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। मीना बैंक में जाती है और कितने रुपए निकालती है, 2000। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज
50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। वो क्या कहती है, जैसे जैसे उसको सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को टोटल में कितने नोट्स मिलते हैं, 25 नोट्स मिलते हैं। कुछ 50 के रुपीज मिल जाते हैं, कुछ 100 के रुपीज। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 ही रिसीव, उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। अब जैसे कि मैंने बताया था, जो भी हमने फाइंड आउट करना होता है क्वांटिटी को, तो उसको हम मान लेते हैं। लेट मीना गॉट रुपीज 50, या लेट नंबर ऑफ, ये लिखते हैं लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 या मीना गॉट, एक ही बात है। लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 एक्स और नंबर ऑफ रुपीज 100 वाई। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन। अब उसको 50 के नोट्स हमने मान लिया एक्स मिले और 100 के जो उसको रुपीज मिले हैं हमने मान लिया वो वाई मिले हैं, उनकी संख्या कितनी है वाई। अब दोनों की जो संख्या है कितनी है टोटल 25, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या था, मीना गोट वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, उसको टोटल में कितने रुपीज मिले हैं 2000, यानी कि 50 के नोट की वैल्यू और प्लस 100 के नोट की वैल्यू दोनों मिलके किसके इक्वल रखेंगे आप 2000 के इक्वल। अब पहले मैं 50 की रुपीज की वैल्यू निकालता हूं। मान लो आपके पास, सपोज आपको मिले हैं 10 नोट 50 के, तो इसका मतलब कितने रुपए मिले आपको, 500 रुपए मिल गए। तो कैसे, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ वन नोट, ठीक है। तो 50 रुपए के नोट की जो वैल्यू है कितनी है, अब 50 कितने नोट्स हैं, 50 के एक्स, और एक नोट की कितनी वैल्यू 50, तो 50x। मान लो 10 नोट मिले तो उसको इसका मतलब कितने मिले 50 के, 500 रुपए मिल गए। नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ वन नोट। अब 100 के नोट्स की वैल्यू कितनी है, मान लो उसके पास आपको, मान लो सपोज 15 नोट मिले हैं 100 के, ठीक है, 15 नोट मिले हैं 100 के, तो इसका मतलब आपके पास कितने नोट आ गए, कितनी वैल्यू हो गई 1500 रुपए, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ वन नोट 15, वैल्यू ऑफ वन नोट कितनी है, सपोज 15 नोट मिले आपको और वैल्यू ऑफ वन नोट 100 रुपीज, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 1500 रुपए। इसी तरह से हमारे पास ये आ गई 50 जो रुपीज की वैल्यू और प्लस 100 रुपीज की वैल्यू और रखेंगे हम टोटल, तभी तो है ना 2000 निकाले मीना ने। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वाई और एक की वैल्यू कितनी है 100 वाई, ठीक है। ये 50 के रुपीज की वैल्यू हो गई, ये 100 रुपीज की वैल्यू हो गई, और दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है 2000 के, ठीक है। ये समझ में आया भाई, दोनों के वैल्यूज मिलके किसके इक्वल है 2000 के। इनको सॉल्व करेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, इसको हम क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा इसको 1 से, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 50x प्लस 50y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा, और ये हमारा एज इट इज। तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस का हो गया ये, माइनस का कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 50y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस 750, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारी आ गई 750 डिवाइड बाई 50, तो y कितना आ गया 15। पुट y इक्वल टू 15 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, बेटर है हम फर्स्ट में। अब दोनों का सम 25 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,
इन इक्वेशन फिर भी हम इक्वेशन निकाल के दिखा देते हैं वैल्यू x plus 15 is equal to 25, तो this implies x is equal to 25 minus 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो this implies number of rupees 50 10 और number of rupees 100 की वैल्यू कितनी आ गई 15, ये हमारे आंसर्स आ गए। एक्सरसाइज 3.4 के फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days. एक lending library है, वहां पे एक fixed charge है for the first 3 days. आप कोई भी बुक उधार लेते हैं, 3 दिन के लिए fixed charge है. And an additional charge for each day thereafter. 3 दिन के बाद हर डे आपको एडिशनल चार्ज लग जाता है. सीता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक kept फॉर 7 days. सीता ने क्या किया, एक बुक 7 days के लिए ली और उसने कितना चार्ज पे किया 27 rupees. While Susie paid rupees 21 for the book she kept for the 5 days. Susie ने कितने रुपए पे किए 21 rupees 5 days. उसने बुक को कितने दिनों के लिए रखा है 5 days के लिए. Find the fixed charge and charge for each extra day. आपने क्या निकाला fixed charge कितना है और जो हर दिन extra day जो rent लग रहा है charge लग रहा है वो कितना है. अभी जैसे मैंने आपको बताया था जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है वो हम मानते हैं. लेट फिक्स चार्ज रुपीज एक्स चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे रुपीज वाई फर्स्ट कंडीशन. ये टाइप हमारी इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन 9th क्लास में भी आता था. द चार्ज फॉर द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर. और इसी से इसी टॉपिक का क्वेश्चन हमारी इससे पहले एक्सरसाइज में भी है और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है. देखिए हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. टोटल चार्ज फिक्स चार्ज प्लस रिमेनिंग डेज या रिमेनिंग. अगर हमारा क्वेश्चन मान लो कोई टैक्सी फेयर है इतना डिस्टेंस कवर करती है इतने डिस्टेंस की, अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो रिमेनिंग डिस्टेंस. यहाँ पे कोई भी हम बुक उधार लेते हैं तो डेज की बात हो रही है रिमेनिंग डेज मल्टीप्लाई चार्ज पर डे. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी टोटल चार्ज दो फॉर्मूले होते हैं हमारे ये याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी. फिक्स चार्ज रिमेनिंग डेज नहीं नंबर ऑफ डेज और मल्टीप्लाई चार्ज पर डे. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लो आपने किसी से लाइब्रेरी से बुक उधार ली है मान लो 5 दिनों के लिए ली है और एक दिन का जो चार्ज है 2 रुपए है तो टोटल चार्ज कितना हो गया 10 रुपीज हो गया 5 × 2 पर डे का चार्ज कितना है 2 रुपए और आपने कितने दिनों के लिए उधार ली 5 दिनों के लिए तो कितना आ गया 10 रुपीज चार्ज. अगर हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं अगर वो कहता है 2 दिनों की जो ली है आपने वो 20 रुपए लगेंगे आपको कितने रुपए लगेंगे 20 रुपए और बाकी के जो दिन बचते हैं उसके लिए आपको 5 रुपए पर डे देना पड़ेगा. ठीक है अब तो टोटल कितना दिया आपने 2 दिन के लिए आपने 20 रुपए दिए वो तो दिए ही आपने बाकी कितने रहेंगे हमारे 3 दिन और 3 दिन का आप पर डे 5 रुपए दे रहे हो तो कितना हो गया 15 तो कितना आ गया टोटल 35. तो अब हम कैसे निकालेंगे पहले हमने 5 दिनों के लिए पर डे मैंने 2 रुपए माना था तो 10 रुपए आ गए बट अब डेज हमारे डिवाइड हो रहे हैं. फर्स्ट 2 डेज के लिए पहले 2 दिनों के लिए हमारे पास चार्ज मैंने कितना माना है 20 रुपीज फर्स्ट 2 डेज का. बाकी के कितने दिन बचे क्योंकि कितने दिन लिए 5 दिन 3 दिन बचे और 3 दिन का ये फिक्स है हमारा. अब फिक्स 50 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है बट यहां पे मैंने कितना बताया फिक्स 20 रुपीज. अब 3 दिन का अब बाकी 5 दिन का नहीं लगेगा 3 दिन का क्योंकि 2 दिन का तो उसी में फिक्स में आ चुका है ना तो 3 दिन का
अब 3 दिन का, 1 दिन का मैंने कितना माना है, 5 रुपए, तो कितना हो गया 15, 20 + 15 = 35। तो यानी कि हम कैसे निकालते हैं, इसी तरह मान लो टैक्सी में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेवल टैक्सी वाला कहता है आपको जो आपका फिक्स चार्ज है बैठते ही, मान लो आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, कितना ट्रेवल करते हैं 10 किलोमीटर, टैक्सी ड्राइवर कहता है 2 किलोमीटर के लिए आपके 100 रुपए हैं और बाकी के लिए 5 रुपए पर किलोमीटर है, 5 रुपए पर किलोमीटर, 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो आप टोटल किराया कितना देंगे उसको, 2 किलोमीटर के लिए आप फिक्स 100 रुपीज देंगे, ₹5 पर किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर ट्रेवल किए, 2 किलोमीटर के तो आ चुके हैं, अब बाकी के लिए देंगे ना कितना, 8 किलोमीटर के लिए, 8 किलोमीटर के लिए कितना 40, 140। दिस इज द सेम थिंग, टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला फिक्स चार्ज प्लस रिमेनिंग डेज या रिमेनिंग डिस्टेंस, अगर बात डिस्टेंस की हो रही है तो रिमेनिंग डिस्टेंस या रिमेनिंग डेज, मल्टीप्लाई हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 5 = 40, अभी 40 आया था हमारा, 100 + 40 चार्ज पर डे, ठीक है। अगर हमें ऐसी कोई बात नहीं दे रखी हो, फिक्स चार्ज नहीं दिया हुआ, सपोज हमें लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज मेंशन ही नहीं है, जैसे मान लो आप किसी टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी वाला कहता है आपको ऑटो में बैठते ही 50 रुपए तो लगेंगे और बाकी आप जितना ट्रेवलिंग करेंगे, अब मान लो आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और 5 रुपए पर किलोमीटर, वो कहता है टैक्सी ड्राइवर आपको 50 रुपए देने हैं फिक्स, ठीक है, और 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया और 2 रुपए पर किलोमीटर मान लेता हूं, 10 × 20, तो 10 × 20 ये हो देंगे, यानी कि फिक्स ये कितने दिनों के लिए, ये नहीं है कुछ डेज के लिए फिक्स नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है, और जितना आप ट्रेवल करते हैं टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि हॉस्टल चार्जेस वाला जो क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। तो टोटल चार्ज फिक्स चार्ज, यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस किस लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा मेंशन नहीं है कुछ दिनों के लिए इतना फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज पर डे इतना चार्ज लग जाता है, अगर ऐसा है कि कुछ दिनों के लिए इतना चार्ज है और आगे पर डे ऐसा चार्ज है तो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा, अदरवाइज फॉर सम डेज नहीं दे रखा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई चार्ज पर डे, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये यूज होगा, और जो ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा, टोटल चार्ज फिक्स चार्ज प्लस रिमेनिंग डेज मल्टीप्लाई चार्ज पर डे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन। देखिए अभी श्रीता पेड ₹20 फॉर ए बुक कैप्स फॉर 7 डेज, श्रीता ने कितने रुपए चार्ज किए 27, कितने दिन बुक रखी 7 डेज के, टोटल चार्ज हमें दे रखा है, हम अपनी तरफ से चार्ज निकालेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में, तो फिक्स चार्ज कितना है एक्स, अब उसने कितने दिन बुक रखी है 7 डेज, अब 3 दिन के लिए तो फिक्स है, अब बाकी कितना दिन देना पड़ेगा रिमेनिंग डे 4 दिनों को और देना पड़ेगा, 1 दिन का चार्ज कितना है वाई, 4 दिनों का कितना हो गया 4y, समझ में आ गया, ये हमारा 3 डेज के लिए फिक्स है और ये कितना हो गया 4 दिनों के लिए, टोटल 7 दिनों के लिए हो गया और कितना रखा है 27, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं, सेकंड कंडीशन, सुशी पेड ₹27 उसने 5 दिनों के लिए, सुशी ने कितने दिनों के लिए रखी है 5 दिनों के लिए, अब 5 दिनों के लिए यानी कि 3 दिन का तो है फिक्स और प्लस 2 डे का और निकालना पड़ेगा तभी बनेगा 5 दिन का, 3 दिन का फिक्स है फिक्स प्लस बाकी का जितने दिन और बच गए, कितने दिन और बचे 2 दिन, 1 दिन का कितना चार्ज है वाई, 2 डे का कितना होगा 2y, कितने 21, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 और 2 दोनों को माइनस कर देंगे, ऑन इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वल ही है 1 - 2, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6, तो y कितना आ गया 3, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में पुट कर दें हम, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो y को 3 पुट किया, x प्लस 2 × 3 इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 - 6, तो दिस इंप्लाइज हमें क्या मिला, फिक्स चार्ज कितना आ गया
रुपीज 15 चार्ज पर डे, वाई था वाई कितना हमारा 3 रुपीज 3, ठीक है ओके।